जीवन मंत्रा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग जीवन मंत्रा चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, जीवन मंत्रा में जो नुस्खे हम आपको बताते हैं वो वैद्यों और एक्सपर्ट्स की राय के मुताबिक होते हैं, इसलिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लोगों को भी इस चैनल के बारे में आप बताएं। दोस्तों, मूली आपको सब्जी मंडी में कहीं भी और बहुत कम दामों पर मिल जाएगी। क्या आप जानते हैं कि मूली का सेवन आपके पेट के हर रोग की दवा है और अचूक दवा है। अगर आप इसको खाएंगे और हमारे तरीके से खाएंगे तो आपका पेट हमेशा रहेगा हैप्पी हैप्पी। तो पहली विधि देख लेते हैं आपके पेट को स्वस्थ रखने के लिए क्या किया जाए। एक कप मूली के रस में नमक और मिर्च डालकर सेवन करने से पेट साफ हो जाता है और पेट का दर्द दूर हो जाता है। जान लीजिए, जो मिर्च है वो काली मिर्च होनी चाहिए। दूसरी विधि देख लेते हैं। मूली का लगभग 1 ग्राम के चौथे भाग के रस में आवश्यकता अनुसार नमक और 3-4 काली मिर्च का चूर्ण डालकर 3-4 बार रोगी को पिलाने से पेट के दर्द में आराम मिलता है और अगर आपका आफरा है वो भी ठीक हो जाता है। एक और विधि देखिए, 10 मिलीलीटर मूली का रस, 10 ग्राम यवक्षार, 50 ग्राम हिंगवाष्टक चूर्ण, 50 ग्राम सोडा बाइकार्बोनेट और 2 ग्राम नौसादर, 10 ग्राम टाटरी को मिलाकर चूर्ण बना लें। ये चूर्ण 3 ग्राम पानी के साथ खाने से हर प्रकार का पेट दर्द दूर हो जाएगा। चौथी विधि भी देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण विधि है। 100 मिलीलीटर मूली का रस, 200 ग्राम घी कुंवार का रस, 50 मिलीलीटर अदरक का रस, 20 ग्राम सुहागे का फूल, 20 ग्राम नौसादर की ठीकरी, 20 ग्राम पांचों नमक, 10-10 ग्राम चित्रक मूल, भुनी हींग, पीपल मूल, सौंठ, काली मिर्च, पीपल, भुना जीरा, अजवाइन, लौह भस्म और 150 ग्राम पुराना गुड़। अब सभी औषधियों को पीस कर चूर्ण बनाकर मूली, घी कुंवार और अदरक के रस में मिलाकर अमृतबान यानी कि एक ऐसा बर्तन जिसमें इस चूर्ण को रखा जा सकता है, अमृतबान का मुंह बंद करके 15 दिन तक धूप में रखें। 15 दिन बाद इसे छान कर बोतल में भर लें। आवश्यकता अनुसार इस मिश्रण को 6 से 10 ग्राम तक लगभग 30 मिलीलीटर पानी में मिलाकर भोजन के बाद सेवन करने से पांडु यानी पीलिया, मंदाग्नि यानी पाचन क्रिया खराब होना, अजीर्ण यानी भूख ना लगना, अध्यमान, कब्ज और पेट के दर्द में बहुत आराम मिलता है, यानी कि वो रोग दूर हो जाते हैं। मासिक धर्म भी यदि कष्ट के साथ आ रहा हो और अनियमित हो तो इस मिश्रण को 2 चाय वाले चम्मच भरकर सुबह शाम 3 सप्ताह तक नियमित रूप से सेवन करेंगे तो आपको बेहद लाभ होगा। दोस्तों, जीवन मंत्रा जीवन की एक ऐसी पद्धति है जिसमें आप निरोग बनते हैं, स्वस्थ रहते हैं और आप लंबा जीवन जीते हैं। दोस्तों, जीवन मंत्रा में आज इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।